गांव जाने से पहले कैंटीन गए थे तो हमें कुछ भी सामान नहीं मिला था। प्राइस में सामान दे दिया है और आज रहन दीजिए रहन दीजिए। ये जो नारियल है ये छठ में चढ़ा हुआ नारियल है जो कि मैंने दूर चढ़ाया था और हमारी मम्मी ने एक, तो तीनों नारियल वैसे ही पड़ा था। हम गांव से वापस भी आ गए और वैसे ही रखा हुआ था, सिर्फ मम्मी ने हमारी छील दिया था। तो मैंने इनको अभी दिया है कि आप इसे फोड़ो और देखो सही है या नहीं है। तो जब इन्होंने फोड़ा तो नारियल जो दोनों है ना वो बिल्कुल सही निकले थे। नारियल है जो कि साफ बिल्कुल वाइट वाइट से निकला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हो गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और उस दिन हम गांव जाने से पहले कैंटीन गए थे तो हमें कुछ भी सामान नहीं मिला था, तो इसलिए आज हम फिर से जा रहे हैं। पता नहीं आज भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम जाने वाले थे ना उसके एक दो दिन बाद ही सामान आने वाली थी, तो शायद आ गया होगा। जैसे ही यहाँ सामान आती है ख़त्म भी हो जाती है। तो जाकर देखते हैं क्या होता है आज, क्या होता है आज। हाँ जी, हस्बैंड जी बैग ले रहे हैं और हम तैयार हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं। की सवारी कराओ जी। थोड़ा सा ना जब हम कैमरा ऑन करते हैं ना तो थोड़ा सा कुछ बोला करो। सो गाइस, तो हमें कैंटीन आज क्लोज था तो हमें सामान नहीं मिला और हम आ गए हैं रिलायंस मार्ट में। मुझे थोड़ा सा कुछ सामान लेना था इस वजह से, तो हम आएंगे फिर मंडे को कैंटीन, चक्कर ही लगाते रहेंगे बस। अच्छा किधर चलोगे? इधर चलो, इधर का देखोगे, इधर चलो। तो मुझे जो जो सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया है। और मेन मैं किस लिए आई थी मैं आपको बताती हूँ। ये जो ब्राउन राइस है इसके लिए मैं आई थी मॉल, और एक मैंने लिया है पिंक सॉल्ट। गाइस हमने सामान ले लिया है और हस्बैंड जी गए हैं उधर बैग लाने के लिए। साइकिल के दाम तो प्रिंस के लिए हमें साइकिल ख़रीदना है, तो हम एक साइकिल के दुकान पर गए थे और इन्होंने वहाँ से रेट वगैरह पूछा तो इनको उतना पसंद नहीं आया, इस वजह से हमने नहीं लिया। उसके लिए हमें साइकिल लेना है और मैंने वहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं अपना चश्मा भूल कर जा चुकी थी और मुझे ज़रा भी धूप लग जाता है ना तो उसके बाद बहुत तेज़ मेरे सर में दर्द होने लगती है। हमने वहाँ से डोसा खाया क्योंकि वहाँ डोसा बहुत टेस्टी मिलता है। उसके बाद हमने गुड़ वाले रसगुल्ले खाए जो कि अभी आपने देखा। बेटा तो मैं यहाँ भूज रही हूँ सूजी, इसका हलवा नहीं बनेगा, इसका बनेगा गुजिया। और यहाँ मैंने बैठाया है पतिदेव के लिए चाय, क्योंकि शाम का 4:30 बज रहा है और जैसे ही 4 बज जाता है ना, बज जाती है, तो पतिदेव मुझे सोने नहीं देते, बोलते जल्दी चाय बनाओ जल्दी चाय बनाओ जल्दी चाय बनाओ, इसलिए मैंने यहाँ चाय बैठाया है। और ये जो नारियल है ये छठ का नारियल है जो कि किसी ने भी नहीं खाया। तीन नारियल, दो मेरे थे एक मम्मी का, तो मैंने दो नारियल कद्दूकस करा है। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे, इसे भी मैं गुजिया में डालूंगी। ये घी है जो कि मेरी जेठानी ने दिया, इतना नहीं है वो डब्बे में है, बट मैं हमने इसमें खाने के लिए अलग से निकाल लिया। और मावा भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो मावा मैंने फ्रीज में रख रखा है। और ये देखिए वहाँ से जो मैं रसगुल्ले लेकर आई थी ना, ये बस 4 पीस बचा हुआ है, बाकी सब ख़त्म हो चुका है। और ये रहा मावा जो कि मेरी जेठानी ने ही दिया, वो बोल रही थी गुजिया बनाकर ले जाओ, बट मैंने बोला नहीं, टूट जाता है ना ट्रेन में लाने पर, इसलिए मैंने बोला कि मावा ही ले जाते हैं घर में बनाकर, पतिदेव को हम खिला देंगे क्योंकि उनको बहुत पसंद है गुजिया। तो ये रही मेरी मावा, इसमें मैंने निकाल लिया है। और गाइस आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि हस्बैंड जी ब्लैक टी ही पीते हैं। और ये रही खास्ता जो कि जेठानी जी ने हमारे दिया था, और ये मतलब मैं ससुराल से अपने लेकर आई हूँ, तो ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है, बस ये कुछ बटा गए हैं, मतलब बांट दिया गया है और कुछ खा लिया गया है। तो ये मैं उनको देकर आती हूँ चाय, और ये गिरना नहीं भाई, वो आराम से मोबाइल चलाओ प्लीज। जी जी कितने राज है? राज यस राज यस राज यस राज कौन है रे? यस राज फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं क्या है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ है, बताइए और कुछ और कुछ। तो गाइज ये 2 बोरी में चावल भी उन्होंने दिया था, ये 1 बोरी है और 1 बोरी ये था, बट ये भी मतलब इसका खाली कर कर डाल दिया गया है। तो इन दोनों बोरी में चावल भी थी और क्या था, बस इतना ही था। और एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को, तो ये रही अचार, आम का अचार है जो उन्होंने, मैं पिछले बार गई थी गर्मी में तो बनाया था, तो ये दिया है उन्होंने। ये सारे मेरे ससुराल से आए हैं, लेकर आए हैं। तो ये मेरी सूजी भून गई है, इसमें कलर अच्छा सा नहीं आ रहा है, और इसमें मैंने मावा मिला दिया क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए बहुत हार्ड है और सूजी हमारी गर्म है, तो ये दोनों मिलके वो सिट सॉफ्ट हो जाएगी जल्दी से, इसमें मिल जाएगा ये, इसीलिए मैंने गर्म सूजी में इसे डाल दिया है। और इधर मैं नारियल को भून रही हूँ, हल्का सा इसे हम लाल करेंगे, और मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। गाइस ये गुजिया हमारा बेला के तैयार हो गया है, छानने के लिए तैयार है, और इसमें पतिदेव ने भी मेरे हेल्प किए है ना जी, बोलो हाँ कान में मत बोलो, जोर से बोलो